50 वर्षों में हमें ऐसे कर्म करने हैं, आने वाले 25-30 सालों में ही मेरे तो मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि भारत दोबारा से विश्व की आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक सब प्रकार से विश्व की महाशक्ति कोई देश होगा तो ये भारतवर्ष होगा, ये ऋषियों का देश। राम कृष्ण गौतम कणाद जैमिनी पाणिनी पतंजलि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बाद ये महान माताओं के चित्र आप देख रहे हो ना, तो कुछ हैं ऐसे ही भारत की महान नारियां करके एक पुस्तक प्रकाशित की है, वो पुस्तक भी आप पढ़ना और आप अपने आप को मात्र एक पत्नी नहीं समझना, आप पत्नी भी हैं, विवाहित हैं तो एक पति के लिए, आप बेटी भी अपने माँ बाप के लिए, आप शिष्या भी हैं गुरु के लिए, आप कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी हो सकते हैं यदि आप उस तरह का काम कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस धरती पर भगवान का मूर्त रूप है, आप साक्षात आद्या शक्ति हैं, साक्षात जगदम्बा हैं, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती बदालसा आप ही है, अनुसुईया कौशल्या आप ही है, गार्गी आप ही है। आप ना अपने आप को कभी भी हीन मत मानना, यह भी तो अज्ञान है, अपने आप को हमेशा ऊंची चेतना में रखना, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, ये आपका स्टेटस है। कैसे मैं अपने स्टेटस के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, ये स्टेटस अपना बना के रखो, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो इस स्टेटस के साथ, इस आत्मचेतना के साथ जीने वाली आप बहने हैं। वैसे तो मैं सभी पर बहुत गौरव करता हूं, अपने 5 संगठन हैं, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, फिर अपने 100 से ज्यादा संस्थाएं हो चुकी हैं अभी, और अभी सैकड़ों हजारों बनने वाली है, उसमें मैं सर्वाधिक यदि विश्वास करता हूं तो सर्वाधिक यदि किसी को गौरव महिमा देता हूं तो, और मुझे सर्वाधिक यदि कहीं पुण्य का प्रकाश दिखता है तो वो हमारी ये मां बहन बेटियां हैं, ये महिला पतंजलि योग समिति। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये मैं महिला पतंजलि योग समिति का शिविर ले रहा हूं, मुझे पता है ये मेरी बात सारे भाई भी सुन रहे होंगे, वो कहेंगे अच्छा स्वामी जी आप माता बहनों को इतना महत्व देते हो, क्या हम कम है क्या? कम कोई भी नहीं है, बात प्रधानता की है, बात प्रधानता की है। माताओं की रचना ही भगवान ने ऐसी की है कि इनके अंदर जेनेटिकली श्रद्धा ज्यादा होती है, निष्ठा ज्यादा होती है, विश्वास ज्यादा होता है, पुण्य ज्यादा होता है, भक्ति ज्यादा होती है, प्रीति ज्यादा होती है, सेवा ज्यादा होती है, धैर्य ज्यादा होता है, करुणा ज्यादा होती है, वात्सल्य ज्यादा होता है, कृतज्ञता ज्यादा होती है, विवेक भी ज्यादा होता है, सहनशीलता तप भी ज्यादा होता है। जितने धरती के सद्गुण हैं वो सर्वाधिक यदि कहीं पर मूर्त रूप में दिखाई देते हैं तो मातृशक्ति है। ये मैं आपकी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप यही हो तत्वमसी श्वेत के, तो तत्वमसी ये आप हो ऐसी, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे बचपन से मां के प्रति बहुत श्रद्धा, ये बात भी सच है, मेरे पिताजी से कोई वैर नहीं है, कभी किसी को गलत फहमी हो जाए कि बाबा जी का शायद कोई पिताजी से झगड़ा चल रहा है लगता है, ऐसा झगड़ा झगड़ा कुछ नहीं है ना, लेकिन पता नहीं बचपन से ही ना, मैं भागा तब भी मां बहुत रोई, 15 साल तक रोती रही, मां में मोह नहीं था कभी भी, हाँ आज भी नहीं है, आपसे बहुत प्रीति है, मैं आपको भगवान का ही स्वरूप मानता हूं, लेकिन आप में यदि अज्ञान आ जाए, अज्ञान पूर्ण वृत्ति और प्रवृत्ति आ जाए तो उससे मैं थोड़ी प्रेम करूंगा, मैं आपसे विशुद्ध प्रेम करता हूं, और वो प्रेम देह इंद्रियों और मन की सीमाओं से पार, अथाह असीम, वो अनलिमिटेड है, वो अनंत है, वो था है और रहेगा जब तक मैं जीऊंगा तब तक।
क्यों? क्योंकि ये यथार्थ है, दिस इज रियलिटी, ये भगवान ने ऐसा रचना की है। ये तो ये दरअसल ना माताओं को कमतर आका क्यों जाने लगा, इसके पीछे कारण ये रहे, एक तो किसी की उदारता को कभी कभी कमजोरी समझ लिया जाता है। मां बहन बेटियों ने हमेशा पुरुषों को आगे रखा, मान में भी आगे, बहुत से ग्रंथ माताओं ने लिखे और पुरुषों के नाम से प्रकाशित करवा दिए, तो ये लेखक बन गए, ये वो आचार्य कहलाए। आज भी बहुत बड़े बड़े काम, आज भी इस धरती पर कौन सा बड़ा काम है जो माताएं ना करती हों? देखो दुनिया के बड़े बड़े अनुसंधान, हमारे यहां तो रिसर्च सेंटर में जो बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं वो माताएं, दुनिया में बड़ी बड़ी साइंटिस्ट माताएं, दुनिया में बड़ी बड़ी डॉक्टर इंजीनियर माताएं हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी अभिनेत्री माताएं हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी नेता। ये तो क्या हुआ, इन बहनों को ना अवसर नहीं दिया जाता। पुरुष कहते ऐसे आंख दिखाते, मैं हूं, वो गांव में रिजर्वेशन हो गया, वो पत्नी को सरपंच बना देते हैं, सरपंच ही खुद करते रहते हैं सरपंच ही खुद ही करते रहते हैं। मैं तो कहता हूं विवेकशील माताएं, शीलवती पुण्यशील माताएं यदि सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने लगे तो इस धरती से पाप अधर्म का खात्मा हो सकता है, सब क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे माताएं, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे आगे माताएं, अभी तो अच्छी किसान भी माताएं, वैसे भी खेत में चौधराहट करते हैं पुरुष तो ज्यादा, खेतों में आज भी काम तो माताएं करती हैं, ये चौधरी बनकर के आके खड़े हो जाते हैं। ये अपना महकमा की थोड़ी बुराई कर रहा हूं मैं, अपना महकमा मतलब मैं पुरुष शरीर में हूं ना, वैसे आत्मा तो लिंग से परे है, आत्मा की ना कोई आयु है, आत्मा का ना कोई लिंग है, लेकिन इस शरीर की भी एक महिमा है। मां बहन बेटियों को ज्यादातर लोगों ने ना भोग की वस्तु समझा, मां बहन बेटियां ये भोग की वस्तु नहीं है इस धरती पर, ये तो भगवान का वरदान है और भगवान का ही मूर्त रूप है, जो ऐसे मान करके मां बहन बेटियों से व्यवहार करता है, उनसे प्यार करता है, प्रीति करता है, उनका सत्कार करता है, उस व्यक्ति के, उस घर परिवार के, उस समाज राष्ट्र के सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। और ऐसी ही मां बहन बेटियों को मैं देखना चाहता हूं। देखो मैं कई प्रयोग कर रहा हूं, मैं छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहा हूं, अभी तो पांचवीं कक्षा से आचार्य कलम शुरू हुआ है, अभी बहुत जल्दी ही वो LKG UKG, हम तो पढ़े भी नहीं थे, वो कौन सी KG का जी होती है, वो LKG UKG से भी आचार्य कुलम शुरू होगा, उसमें से भी महान आत्माएं तैयार होंगी, बेटा बेटियां तैयार होंगे उसमें से, वैदिक गुरुकुलम, फिर संस्कृत गुरुकुलम, विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, धीरे धीरे लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाएंगे, व्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे, शिक्षा में भी परिवर्तन लाएंगे, मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर अब एक तरफ न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, दुनिया की सारी लैंग्वेजेस भी हमारे बच्चे पढ़ेंगे, साथ साथ में वेद, दर्शन, उपनिषद, संस्कृत भी हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये सारे प्रयोग मैं कर रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इतने बड़े बड़े संगठन, इतने बड़े बड़े अलग अलग सेवा के प्रकल्प, उसमें भी शिक्षा के, स्वास्थ्य के, अनुसंधान के अलग अलग प्रकल्प, गो माता को सम्मान मिले, वेद माता को सम्मान मिले, गायत्री माता को सम्मान मिले, गो माता को सम्मान मिले, सब माँ बहन बेटियों को, पूरी मातृशक्ति को सम्मान मिले, सब तरह के हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे सबसे ज्यादा आशा मां बहन बेटियों पर है, यदि ये एक महकमा भी मेरे साथ साथ चलता रहा ना तो देश नहीं हम दुनिया को बदल देंगे, वो सामर्थ्य हमारे भीतर है। आप एक अवयव हैं इस ब्रह्मांड का, आप एक पार्ट हैं इस पूरे यूनिवर्स का ना, एक हिस्सा है छोटा सा, लेकिन आप में ही इतनी शक्ति सामर्थ्य है, बस आप योग करना और कराना। अभी जितनी कक्षाएं चला रही है बहने, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, एक दो तीन चार, वैसे मेरी संख्या चलती है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, ऐसे
ऐसे मनुष्य का निर्माण भी ऐसा होता है, दो कोशिकाएं होती हैं, एक को स्पर्म बोलते हैं, एक को ओवम, फिर दोनों मिलके एक ही हो जाते हैं, एक वे बिना कोई सृजन नहीं हो सकता। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको गुरु के साथ एक होना पड़ेगा। आप पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो पति के साथ, माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ आपको एक होना पड़ेगा। मम व्रते हृदय ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते हस्तु मम वाचम एक मना जो सस्व। गृहस्थ में बोलते हैं प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तमयम, अध्यात्म में बोलते हैं बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तमयम, एक तो होना पड़ेगा। फिर वो एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस कोशिकाएं, उससे फिर तीन लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उससे पूरा एक, उससे फिर अलग अलग टिश्यू बनते हैं, उनसे फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, उनसे पूरा सिस्टम बनता है और पूरा हमारा ये एग्जिस्टेंस बनता है। दिस इज अवर होल एग्जिस्टेंस। वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जो भी हमारा अस्तित्व है, ये मल्टीपल होकर के बनता है। तो जो बहुत पराक्रमी बहनें हैं वो तो मल्टीपल भी कर सकती हैं और बड़े बड़े काम है, सैकड़ों काम हमने हाथ में लिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, पारमार्थिक, सारे काम हमने हाथ में लिए हुए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, अनुसंधान के, खेती के, गौ माता की, भारत माता की सेवा के, अलग अलग प्रकल्प काम में लिए हुए, क्योंकि मेरा एक ही सपना है, दुनिया में शुभ होना चाहिए और उस शुभ का नेतृत्व किसी योगी भाई बहन को ही करना चाहिए, योगी आत्माओं को ही नेतृत्व करना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। तो ये सब बातें मैं जो कह रहा हूं इसको जरा निष्कर्ष निचोड़ सुनो, ये सारे काम हो रहे होंगे और इसमें मैं कहता हूं सबसे बड़ा काम योग वाला होगा। और ये योग वाले काम में ना अभी 1 लाख के करीब कक्षाएं चल रही हैं, अगले साल ये 2 लाख, फिर 2 से 4 लाख, 4 से फिर 8 लाख, कम से कम 100% का ग्रोथ रेट जब पतंजलि का भी चल रहा है वहां तो 100% की ग्रोथ रेट को मेंटेन करना बहुत कठिन काम है। आज तक के दुनिया के FMCG फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं इनको, जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग किए जाते हैं, आज तक की दुनिया के इतिहास में जो कहीं नहीं हुआ वही सभी क्षेत्रों में पतंजलि के द्वारा हो रहा है। इतने वेग से ये काम हो रहा है, तूफानी अंदाज से, मैं तो बोलता हूं ना, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो, हाथ में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाख में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को, तुम्हारे कारवां को नौजवान सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवान सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ऐसा काम आप मां बहन बेटियों को करके दिखाना है, इसलिए आपको यहां पर बुलाया है। आप बहुत अच्छी लग रही हो, सब एक रूपता दिख रही है, यूनिफॉर्मिटी भाई। ये योगियों की फौज खड़ी हो गई है, आपको इतना बड़ा काम करना है योग का। फिर हमने 50 वर्षों की एक मास्टर योजना बना रखी है, करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो चैरिटी में खर्च करना है, उसी के लिए पतंजलि का स्वदेशी अभियान है, कोई ये व्यापारी की दुकान नहीं है, पतंजलि का 100% प्रॉफिट सेवा के लिए है, सेवा के लिए है, सेवा के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, गोमाता के लिए, भारत माता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अनुसंधान के लिए। मेरे से बोले बाबा जी, यह तो पतंजलि तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है,
हमको भी बताओ, तुम भी पतंजलि की तरह जो भी कमाओ सब सेवा में लगाओ। अरे बाबा जी, फिर हम क्यों करें? फिर यही तो बात है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको देश के लिए सब कुछ अच्छा चाहिए। मैं क्या अच्छा कर सकता हूं अपने देश के लिए, बस यही एक मकसद है, और इसी के लिए सारा संगठन है, इसी के लिए योग है, इसके लिए कर्मयोग है, इसके लिए उद्योग है, इसके लिए संस्था है, इसके लिए संगठन है, इसके लिए सारे प्रकल्प हैं और सारे संकल्प हैं, सारा पुरुषार्थ है। और बहुत बड़ा करना है, छोटा करना नहीं, ना छोटा सोचना, न दिमाग छोटा रखना है, न दिल छोटा रखना है, न कर्म छोटे करने हैं, न छोटा कर्म, न ओछा कर्म, न खोटा कर्म। सुनो ए बहनो, बस रोज रोज सुबह उठ के 2 घंटा, या सुबह ना कर पाओ तो शाम को, और घर वाले करने के लिए मना भी करें ना, तो शुरू में चोरी चोरी छिपके छिपके सेवा करना। हाँ, फिर जब बाद में सब तुमको गुरुजी गुरुजी कह के बोलेंगे, तुम्हारी सास को, तुम्हारे ससुर को, तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार वालों को कहेंगे, अरे इस घर की तो बहू, इस घर की तो बेटी इतनी अच्छी है, उसने तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां भर दी हैं, ऐसी बहू ऐसी बेटी सबको दे भगवान। कुछ भी आए, ये देखो छोटी छोटी बातें आती रहती है, मैं तो एक ही बात समझता हूं, जो बात एक बार समझ में आ गई ना, फिर उसको मान लो, ज्यादा बिना खुरापात मत किया करो। वैसे माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, थोड़ी थोड़ी एक आधी खुरापाती भी है। बोले बाबा जी, जब आप तो कह रहे थे सभी अच्छी हैं, वो तो अच्छी हैं, मां बहन बेटी तो अच्छी है, उसके भीतर जो अच्छा नहीं है ना, वो अज्ञान है, और अज्ञान से अज्ञान की संतानें बड़ी है। ये ब्रह्म राक्षस जैसा है ये, और रक्त बीज है ना, एक ऐसे असुरों के बारे में सुना ना, जाऊं इसका बीज पड़ता हूं, वहीं से हजारों पैदा हो जाते थे। तो ये ए माताओं बहनों, आप बहुत अच्छी हो, अब मेरा विश्वास मत तोड़ना कभी भी, आपके भीतर ये अज्ञान रूपी, अश्रद्धा और अकर्मण्यता रूपी ये 3 बीज जब पैदा हो, तुरंत उनको वहीं रगड़ के, मसल के, कुचल के खत्म कर देना, अपने अज्ञान के, अपने अश्रद्धा और अकर्मण्यता के ऐसे बीज भून देना, जैसे चने को, जौ को भून देते हैं चावल को, तो उसकी खील बन जाती है, भोंगड़ा बन जाता है, धानी बन जाती है, फिर उसमें कोई अंकुर नहीं फूटता, ऐसे ही आप में कोई अंकुर ना फूटे अशुभ का। ए प्रभु, बस एक क्षण के लिए भी पापों की तरफ पग ना धरो, एक तरफ भी भगवान तो मेरे अंतर में जो प्रेरणा देता है उसके विपरीत ना चलो। संस्रते नगमे महिमा स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रम साविव पुनर्दताघ्नता जानता संगमे महि। हम वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, गुरु के पथ पर, सत्य धर्म न्याय के पथ पर ही आगे बढ़े। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पावना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। एक क्षण के लिए भी, एक पल भी अपने भीतर अशुभ को मत आने देना। देखो मैं तो यही समझ पाया, मैं देखता हूं बार बार भाई बहनों को ना फिसल जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, जो बह गया सो भोगी, वृत्ति सारूप मित्र, जैसे विचार उठा उसमें बह गए तो फिर तो भोगी है ना, ये योग से अलग अवस्था है, ये बहकने वाली, भटकने वाली, बर्बाद होने वाली स्थिति है, बहकना नहीं। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या, तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं, सावन की फुहारे सूख जाती हैं फुहारों का भरोसा क्या, संबल ओम काले कर
विकारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर, सदगुरु की शरण लेकर, तु योग की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए। ओ जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों खूट विचरना, निर्भय चारों खूट विचरना, जोग जुगत से करना, हो जोगे जोग जुगत से करना, जोगे जोग जुगत से करना, हो जोगे जोग जुगत से। एक योगी आत्मा का कैसा जीवन होना चाहिए? कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना। ये भजन भी याद कर लिया करो और गुनगुनाया करो और ऐसे ही जिया करो। ये वेद के मंत्रों का सार है, गुरुओं के शिक्षाओं का, उपदेशों का निचोड़ सार निष्कर्ष। एक बहुत बड़े महापुरुष संत योगी महात्मा हुए स्वामी सोमानंद जी महाराज, हमने उनके बचपन में दर्शन किए। ये योगी महात्मा साधु का भजन है, कोई फिल्मी गाना नहीं है। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, हो संभल संभल पग धरना, मन से वचन से कार्य से निर्मल रहना। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, हो संभल संभल पग धरना, सब पर मुद ओ सब पर करुणा, मुदिता मैत्री सब पर करुणा, मुदिता मैत्री ब्रह्म विहार विचरना, जोगी जोग जुगत से सब पर करुणा, मुदिता मैत्री, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षण। ये बहुत ऊंचे भाव हैं, सारे दर्शन उपनिषद वेदों का सार है। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना, ब्रह्म भगवान की शरणागति में ऐसे रहना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेवेशसि कौन्तेय। यही रास्ता है ऐसा। आदत आतुर संस्कृत सागर, आदत आतुर संस्कृत सागर, पर दुख देख पिघल ना हो, पर दुख देख पिघल ना, पर हित रमण मरण सब जग हित, पर हित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना, जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। अज्ञान और अहंकार की बाधाएं दीवारें से आज अहंकार की तापत मिथ्या, अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सन्मुख धरना हो, अपने सन्मुख धरना, समदृष्टि दे पकले कर में, समदृष्टि दे पकले कर में, ज्योति भरना, जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। कैसा होता है योगी का जीवन? जैसे
ये पेड़, ये पौधे, ये वनस्पतियां, सारी सृष्टि सबके लिए काम कर रही है ना। कुछ कहते बाबा जी काम क्यों करें, कुछ मेरे से कहते बाबा जी आप करते क्यों। मैंने सूरज से पूछो क्यों रोशनी दे रहा है, धरती से पूछो क्यों इतनी धन धान्य से इस संसार को भर रही है अन्नपूर्णा बनकर। ये सारी सृष्टि का स्वभाव है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों खराब करूं भाई, मेरा भी यही स्वभाव है। और मां के स्तनों में जब दूध भरा आता है ना, तो जब तक बच्चे को नहीं पिला देते ना, उसको विश्राम नहीं मिलता। ऐसा होता है योगी का जीवन। जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर। किसके ऊपर एहसान करने के लिए नहीं, बस मेरा ही कर्तव्य है, मेरा स्वभाव है, मेरा ही धर्म है, मुझे भगवान इसी प्रयोजन के लिए इस धरती पर जन्म दिया। ओ जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर। तरुवत छाया करना हो, तरुवत छाया करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, माँ की तरह उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना हो। जोगे जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो। आत्म ज्ञान तन तीरथ रंगित, आत्म ज्ञान तन तीरथ रंगित, हृदय लार उतरना हो, हृदय लार उतरना। तरंगित हृदय, बस मैं भगवान की शरण में आ गया, बस अब मेरा उद्धार हो गया। मैंने जो वो सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा पा लिया, अब तो मैं भगवान की पकड़ में आ गया। आत्मज्ञान तन तीरथ रंगित, आत्मज्ञान तन तीरथ रंगित, हृदय धार उतरना हो, हृदय धार उतरना। अभिषेक्त आत्म अभिनय कर, अयंत हितम आत्मा, अपने शरीर को ही संविधा बना करके भगवान की सेवा की यज्ञाग्नि में आहुति देना, ये है पुरुषो वाव यज्ञ। ओ हो अभिषेक्त आत्म अभिनय कर, हो अभिषेक्त आत्म अभिनय कर, जग जननी के शरण हो। जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो। निरभय चारों कोट विचरना, निरभय चारों कोट विचरना, जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग ओ जोगी जोग जुगत से कर। ये जोगी की युक्ति पूर्वक जीवन जीने की कला है। ऐसे भगवान की शरण में, गुरु की शरण में रहना। अब इतनी बार ये बात समझ में आ जाती है, फिर भी हम इससे डिग क्यों जाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि तो भगवान की शरणागति में हमारा सब प्रकार का उद्धार है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं स्वीकार करते। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के श्रेय पथ के पथिक हैं हम। और भगवान की शरण में क्या होता है, जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सोच के। सारे विकारी पाश ढह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, कट जाते हैं, छट जाते हैं, हट जाते हैं। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सोच के। सारी आदि व्याधि उपाधि सब दूर हो जाते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक सारे ताप संताप
व्याधियां तन की मिटी। योग प्राणायाम ध्यान भगवान की शरणागति में करना। देखो कोई विकार नहीं रहेगा, कोई अंधकार नहीं रहेगा जीवन में, कोई अभाव, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं रहेगा।